नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देशवासियों को जिस एक खास तस्वीर की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, जो इंतजार कर रहे थे, वो तस्वीर हमारे पास यानी एनबीटी के पास आ गई है। वो तस्वीर है भारत की नई संसद के अंदर की तस्वीर। आई, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं एनबीटी पे हमारे पास जो तस्वीर आई है, ये है भारत की जो नई संसद भवन के अंदर की तस्वीरें। बीजेपी आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो नई संसद भवन है उसमें बैठने की व्यवस्था कैसी है। बिल्कुल ही एकदम से नई टेक्नोलॉजी से लैस है नई संसद भवन। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यहाँ सामने ये अध्यक्ष के बैठने का आसन है, लेफ्ट साइड में विपक्ष होगा और राइट में जो पार्टी के जिसकी सरकार होती है यानी सत्ताधारी पक्ष, वो बैठेगा। एक और हमारे पास तस्वीर है, ये वो आप देखने की कोशिश करें। ये है साइड से ली गई तस्वीरें, जो भारत की नई संसद भवन की जो तस्वीरें हैं उसके अंदर की, जो जहां पे हमारे माननीय बैठेंगे सांसद दोनों सदनों के, वो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली एनबीटी पे। ये तस्वीरें काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी कि संसद भवन नया जो बन रहा है वो कब तक बन के तैयार होगा, तो अंदर की ये तस्वीरें हमारे पास आ गई। हम आपको कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखाते हैं कि जो पुराना संसद भवन है वो कैसा है। आपका पुराना संसद भवन जो ब्रिटिशकालीन संसद भवन है, जो इस नई संसद के आने के बाद जो ब्रिटिश प्रतीक है उसको एक तरीके से, जो ये ब्रिटिश प्रतीक है उसको हटा दिया जाएगा, यानी वो एक तरीके से हिस्ट्री में वो दर्ज हो जाएगा। ये देखिए पुरानी संसद भवन, ये है जो गोलाकार है, गोलाकार, और ये जो नया जो संसद भवन है ट्रायंगुलर शेप का है। आप दिखाने की कोशिश करें रोहित, ये ट्रायंगुलर शेप और ये गोलाकार संसद भवन जो पुरानी संसद है, जो कुछ अगले इस साल के आखिर तक माना जा रहा है कि नई संसद भवन में माननीय वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे वहाँ से कामकाज शुरू हो सकता है। आप देखिए नई संसद भवन की कुछ नई चीज़ें हम दिखाते हैं। देखिए नए संसद भवन का नया गेट, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कुछ दिन पहले, और जो पुरानी संसद भवन है उसका ये गेट। तो आपको हम हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नए संसद भवन में भारत और भारतीयता का प्रतीक है। आप देखिए पुरानी संसद भवन का जो पुरानी छत है वो कुछ इस तरह से गुंबद के आकार का था, नई छत ऐसी है और वहाँ पे हमारा राष्ट्र प्रतीक भी लगा हुआ है। ऐसे ही आप देखें नई संसद भवन को ठीक पुरानी संसद के सामने बनाया गया है और इसको डिजिटली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया गया है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, इस भूमि पूजन कर रहे थे कि ऐसी संसद होगी कि जिसको लोग याद रखेंगे। करीब करीब 800 इसमें सांसद बैठ सकते हैं, अभी 543 और 550 सांसदों के बैठने की जगह है, तो ये इससे करीब करीब डेढ़ गुना ज़्यादा सांसद यहाँ होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जब भूमि पूजन कर रहे थे तो कई सारी चीज़ें इसके बारे में बताई थी। हालांकि विपक्ष ने कई सारे मुद्दे सवाल उठाए थे, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद अब इसको लेकर विपक्ष भी शायद सवाल ना उठाएं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें ट्वीट की है बीजेपी आंध्र प्रदेश ने, टॉप पे जो उसके छत की दीवार है उसके ऊपर बल्ब लगे हुए हैं और वो सीधे संसद के जो सीटें हैं उसके ऊपर पड़ रही है। काफ़ी बेहतरीन बहुत खूबसूरत तस्वीर है जो अभी हमारे साथ पास आई है नई संसद की, बेहतरीन तस्वीर है। ये देखिए आप साइड से, आप देख सकते हैं कि कैसी छत है जिससे जो प्रकाश वहाँ पे आ रहा है। ये सामने है अध्यक्ष के बैठने का आसन। तो नई संसद भवन की तस्वीरें आप एनबीटी पे एक्सक्लूसिवली देख रहे थे। नई संसद भवन में कामकाज तो अभी बजट सेशन होना है वहाँ तो नहीं शुरू होगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल के मिड में या हो सकता है कि शीतकालीन सत्र में यहाँ से कामकाज शुरू हो जाए। एनबीटी ऑनलाइन पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।